बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनपी वर जॉब नेम के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, तो ये पास्ट पेपर है और ये पेपर जो है फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट का पेपर है। एटीएस के ज़रिए ये पेपर हुआ था और इसका टोटल टाइम जो था 90 मिनट्स था। बाकी आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले 20 MCQs इसके जो थे सोशियोलॉजी के थे, यानी जॉब से रिलेटेड थे। लेकिन सबसे पहले पार्ट को जो है हम इसको बाद में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को जो है फ्रेंड दो क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करेंगे। ये जो एमसीक्यूज है पार्क स्टडी के एमसीक्यूज हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो है सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इन टर्म ऑफ एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, यानी एरिया के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो ये जो है बहावलपुर है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि लेक मच्छर इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी मच्छर लेक जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो है जमशोरों में है और दादू जमशोरों में है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि मीनार पाकिस्तान वाज डिज़ाइन बाय, मीनार पाकिस्तान को किसने डिज़ाइन किया था। नसीरुद्दीन मुराद खान, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि बमबोरी सिटी इज़ लोकेटेड इन, तो ये कहां पर है। ये टट्टा में है, सिंध में, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू गिव अ ब्रीफिंग टू अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान, यानी अपर हाउस जो होता है एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस जो है ये नेशनल असेंबली को कहते हैं, अपर हाउस जो है ये सेनेट को कहते हैं। तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट चीफ एग्जीक्यूटिव इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो ये कौन थे। जनरल परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्टेड इन द रीजन ऑफ, तो ये अयूब खान की रीजन में शुरू हुआ था, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि व्हेन द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान, तो ये 1974 में नेशनलाइज्ड हुए थे, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन वॉज सेट अप एट लाहौर ऑन, तो ये 26 नवंबर 1964 को हुआ था अयूब खान के रीजन में, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, तो ये कब हुए थे। 24 जून 1959, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि आगरा म्यूज़ियम जो है ये कहां पर है, ये फैसलाबाद में है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज़ द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो सबसे पहले जो थे कैद आजम थे, दूसरे जो थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि द टोटल ट्रैक्स लेंथ ऑफ रेलवेज इन पाकिस्तान, इस पाकिस्तान में टोटल ट्रैक्स जो है ये कितनी है। 11,881 किलोमीटर, 7,183 मील है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि जरदक इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ, तो ये सुलेमान रेंज की है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोफी सेंट बिलोंग टू चिश्तिया ऑर्डर, तो ये कौन थे। फरीदुद्दीन गंज शक्कर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि व्हाट इज चंद्रागप, तो ये कौन, ये मट उल्केन है पाकिस्तान के, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि द एक्सटिनेक्ट ओल्केन स्पीक ऑफ कोही सुलेमान इज इन, तो ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ बिन कासिम सीपोर्ट, सीपोर्ट का ओल्ड नेम कौन सा है, पेपरी है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे वो अयूब खान थे, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन, तो ये 1958, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यू थे इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, विजिट करें और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।